अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगी मज़ेदार क्रीमी टिक्का बोटी बनाने की रेसिपी। इस मसाले को अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये है टिक्का मसाला शान का। इसमें और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ टिक्का मसाला लिखा हुआ है। तो आपको ये मसाला लेना है, हाफ कप दही लेनी है, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेना है, 1/2 लीमू लेना है और 1/2 कप दही लेनी है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मसाला लगा के आप पूरी रात के लिए मैरिनेट करके रख दें। नेक्स्ट डे आप जब बारबेक्यू बनाएंगे तो बोटियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। और साथ में यहाँ पे हमने जो है फिर नेक्स्ट डे हमने अपनी बारबेक्यू की तैयारी की और सबने मिलके जो है वो आग लगाने की कोशिश की, जो कि बहुत ही एक मुश्किल काम लग रहा था। खैर, मैंने फिर अपनी एक ट्रिक आजमाई और मैंने जो है बहुत सारे कोयलों को चूल्हे पे ले जाकर जलने रख दी। जब वो जल गई तो ला के उनको ठंडे कोयलों के साथ मिला के रखा तो वो अच्छे से आग लग गई। यहाँ पर फिर हमने सीखों पर जो है बोटियाँ लगवाईं बच्चों से और सब ने मिल के काम किया। हस्बैंड ने हवा झली, कोयले को हवा डाली और मैंने जो है वो फिर पकाया सारे टिक्कों को। और यहाँ पे जो है हमने टाइम लैप्स लगा दी थी वीडियो, बहुत अच्छी बनी। और हमने फिर हमें पुदीना और धनिया सब साफ करके दिया तो उसकी चटनी भी बना ली थी और फिर टिक्का बहुत अच्छा बना। फिर हमने अपने जो मेरे जो जेठ हैं और जो मेरी सासू मम्मी हैं फिर उनके लिए भी भेजा और उन्होंने खा के बहुत तारीफ़ करी। मेरी सास को तो अपने हस्बैंड की जो वो बंस रोड से ला के खिलाते थे जवानी में, उनको वो टिक्का याद आ गया था और बहुत तारीफ़ कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत खुश हुए खाकर। आप बच्चों के रिव्यू चेक करें। चलो मैडम भी पहले मेरा खाने के बाद की हालत ये है होती है।